अगली राशि है धनु यानी सेगिटेरियस। आपकी राशि से ग्रह स्थिति थोड़ी सी प्रतिकूल है। बृहस्पति आपकी राशि से द्वादश भाव में है और 1 जनवरी को शुक्र भी वहीं पहुंच जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि धन संबंधी मामलों में आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। पूंजी निवेश संबंधी योजनाओं को एकदम से डिस्कार्ड करना चाहिए या बहुत सोच समझ कर उन पर काम करना चाहिए। किसी को धन नहीं देना चाहिए और धन देंगे तो शायद धन के मिलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएं। जोखिम उठाने से हानि हो सकती है, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। आपकी राशि में सूर्य और शनि चल रहे, ये भी बहुत अच्छे नहीं है, कन्फ्लिक्टिंग स्थिति है। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, झगड़ा फसाद हो सकता है, तो इस सब से दूर रहना चाहिए। ये परिवार में भी हो सकता है और ये ऑफिशियल प्लेस पर भी हो सकता है, तो दोनों ही स्थितियों के लिए यह समय थोड़ा सा प्रतिकूल है, इसका आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। चतुर्थ भाव में मंगल भी थोड़ा सा ठीक नहीं। तो अधिकतर जो ग्रह हैं गोचर की हम बात करें, कुंडली में हो सकता है स्थितियाँ आपकी अच्छी हों, लेकिन गोचर वाकई ही प्रतिकूल है। इसलिए बहुत धैर्य के साथ, संयम के साथ और सरेंडरिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जोखिम उठाने से, वाद विवाद करने से, पंगे लेने से पंगे बढ़ सकते हैं, मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसका आप अवश्य ध्यान रखें। परिवार में भी तनाव तो एक मैंने बोला ही, इसके अलावा किसी परिजन का स्वास्थ्य भी चिंता का विषय हो सकता है। ऐसी किसी स्थिति में तत्काल रिस्पॉन्ड करना आपके लिए ज़्यादा मुनासिब सिद्ध होगा। 14 तारीख को सूर्य जो है आपकी राशि से आगे निकल जाएगा, वो सेकंड भाव में आ जाएगा, तो सबसे बेहतर लाभ यह होगा कि शनि और सूर्य में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ी स्थितियाँ आपके पक्ष में आएंगी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इस महीने का जो सेकंड हाफ है, सेकंड हाफ ऑफ द मंथ विल बी बेटर देन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ। यहाँ स्थितियाँ थोड़ी कंट्रोल में आना शुरू होंगी और आप धैर्य और संयम के साथ स्थितियों को बेहतर से नियंत्रण में कर सकते हैं। इस दौरान में परिजनों का भी कुछ सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा और पूर्व में जो भी उलझनें रही थीं वो सॉर्टेड आउट हो जाएंगी। और इसमें ऐसा ख़ास तौर से आपके प्रयत्नों से होगा तो ऐसा करना भी चाहिए। मित्र शुभचिंतकों की राय भी आपके लिए इस दौरान में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी, उसकी राय से भी आप लाभ उठा सकते हैं। यात्राएं, वही यात्राएं करें जो आपको लगे कि उनका इस्तेमाल हो सकता है या यूज़फुल है। यूज़लेस यात्राओं को नहीं करना चाहिए और अंत में धैर्य और संयम से काम लें।